हाय एवरीवन, मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा बटरफ्लाई को उड़ते हुए कैसे बनाते हैं। जो ये बटरफ्लाई है, इसका एनिमेशन कैसे होता है ये मैं सिखाऊंगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, मुफ्त रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है munish.mehta.528। आप मुझसे यहाँ भी बात कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा आप मुझसे कमेंट में बात करें, कमेंट में जल्दी रिप्लाई करता हूँ। गाइज, लर्न एनिमेशन हिंदी का वेबसाइट जो है www.jio.edu है, यहाँ से आप ऑनलाइन क्लासेस भी बाय कर सकते हैं, डेटा भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नो कॉपीराइट बैकग्राउंड और करेक्टर आपको मिलता है। जो भी आपको डेटा लेना है www.jio.edu.com की वेबसाइट से ही लेना है। जब आप यहां से लेते हो तो हमारे पास आपका पूरा रिकॉर्ड रहता है, तो आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आता है। गाइस, बाकी यहां पे लर्न एनिमेशन में एक एक करके सारे वीडियो आ रहे हैं, जो भी पिछले वीडियो है सब यहां पे आएंगे, और आने वाले टाइम पे हम और भी मज़ेदार कंटेंट लाएंगे। तो चलिए गाइस, चलते अपने टॉपिक की तरफ। मैंने पहले से करेक्टर बनाया हूँ, ये कार्टून है, कार्टूनिस्ट है। आपको आप जो रियल भी होगा वो भी ऐसा ही होगा, जो रियलिस्टिक होगा। मैंने पहला सिंबल बनाया है इसका, और एक बार इसका दूसरा सिंबल भी बना के रखा हूँ। क्यों बनाया हूँ मैं बाद में बताता हूँ। इसके अंदर गया, तीन पे की लगाया, पांच पे की लगाया F6 करके, ट्विन दिया। तीन पे आने के बाद इसको बड़ा किया, थोड़ा थोड़ा तिरछा किया, यहाँ से ऐसे थोड़ा आगे की ओर किया। सेम वैसा ही इसको भी बड़ा किया, तिरछा किया, थोड़ा नीचे की ओर। इस तरह इतना करने के बाद ये इतना हो चुका है। ये आगे का मैं अभी डिलीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको बाद में यहाँ से कॉपी करके आगे करना है। क्यों करना है, कॉपी करके आगे ले जाना है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। इतना कर दिया, उसके बाद ये जो दो है इसमें भी हम थोड़ा एनिमेट करेंगे इसको। इसके अंदर गया, हेड के अंदर गया, इसके मैंने सिंबल बना के रखा हूँ। इसके अंदर गया और एक को मैंने 13 पे की लगाया, 25 पे की लगाया, ट्विन दिया, थोड़ा नीचे किया। वैसे ही दूसरे में भी 13 पे की लगाया, 25 पे की लगाया, यहाँ पे आने के बाद ट्विन दिया, इसको ऊपर किया। इस तरह ये एनिमेट हो चुके हैं। अब बाहर आया, अभी क्या 25 तक हमने इसका एनिमेट किया हूँ। अगर मैं इसको यहीं तक रखता हूँ, तीन चार तक, तो बाहर आने में क्या ये पूरा जर्क मारेगा, तो इसे हमें 25-25 तक रखना है। तो मैंने इसको यहाँ से ये वाले एनिमेशन को पूरा कॉपी किया, ऑल्ट के साथ कॉपी किया, आगे छोड़ा, फिर ऑल्ट दबाया, फिर और आगे किया, ऐसा 25 तक रखा। अब देखोगे आप तो ये बटरफ्लाई उठ तो रही है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये जर्क मार रहा है, ये वाला चीज। दोनों को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया पूरा, जो हेड वाला ले रहा है इसको पूरा सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, आने के बाद सिंक्रोनाइज़ किया। तो अब ये पूरा वो जर्क नहीं मारेगा। सिंक्रोनाइज से क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, सिंक्रोनाइज से अपनी लेयर पे अपनी जगह पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे 17 है तो यहाँ पे भी 17 होगा। और मैं बाहर आया,
और मैंने ये यहाँ पे सिंबल बना रखा, अभी मैं मेन वाले सीन पे नहीं आया हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे आया, यहाँ पे की लगाया, यहाँ पे की लगाया और यहाँ पे भी की लगाया और सब में ट्विन लगाया और थोड़ा इसको ऊपर की ओर ले गया और दूसरे को भी थोड़ा ऊपर ले गया। आगे क्यों रखा ऐसा, तो देखा ये ऊपर, ये आगे आया इस तरह। इसको ऊपर करो, पीछे किया थोड़ा, इस तरह सेट किया, या फिर इसको थोड़ा नीचे रखो। मैन लेयर पे आया, 25 तक रखा, कंट्रोल ऑल्ट दबाया तो इस तरह। ये यहाँ पे अभी रुक रहा है, वेट, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे 25 पे है। अगर आपको लग रहा है ये ऊपर नीचे थोड़ा अच्छी तरह मूव नहीं कर रही, तो ये ऊपर गया फिर वो आगे आया फिर पीछे आया वापस, उसको वापस ऐसा करो, थोड़ा नीचे करो करो, तो ये ऊपर इस तरह। तो ये हो गया इस तरह एनिमेशन, काफ़ी ऊपर नीचे हो रही है, मूव ज़्यादा हो रही है, तो आप उसको मूविंग का कंट्रोल यहीं से कर सकते हो। जैसे मैंने ये ऊपर किया है तो इसको नीचे करो, तो यहाँ से कितना ऊपर उठती है वो देखो, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो जो भी करना है। इसको नीचे किया, ऊपर किया, ये ऐसा, इसको पीछे किया, तो आप ऐसा यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हैं इसका जो भी स्पीड है ना। थोड़ा सॉफ्टवेयर इशू है तो ये अटक रहा है, वैसे इस तरह एनिमेशन होगा इसका, तो ये यहाँ पे भी जर्क नहीं आ रहा है। तो ये था बटरफ्लाई का एनिमेशन कैसे करते हैं। नॉर्मली ये खाली मैं ये बटरफ्लाई का भी वीडियो बनाना चाह रहा था, तो ये अभी कैसे उसका एनिमेशन करते हैं वैसा, तो नॉर्मली वो ऐसा एनिमेशन होता है जो कार्टूनिस्ट है, और रियलिस्टिक भी है, तो आप इस तरह पंख को इस तरह इनके जो पंख है उस तरह इस तरह एनिमेशन कर सकते हैं। तो मुझे वैसे उम्मीद है कि आपको ये बटरफ्लाई वाला जो एनिमेशन है ये आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा कि कैसे करते हैं। और जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें मेरा एक सब्सक्राइबर है जो एक उन्होंने कमेंट किया था कि किसी भी कैरेक्टर को कैसे बिठाते हैं, तो उस पर मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पास जैसे यहाँ पर मैंने करेक्टर ऑलरेडी लिए हैं, तो क्या है कि जो करेक्टर का वीडियो करेक्टर को जैसे बैठाने वाला सीन होता है वैसे ही पूरा ग्राफिक डिज़ाइनर करते हैं। तो अभी तो मेरा जो ग्राफिक डिज़ाइनर वाला वो बाद में आएगा, पहले ये एनिमेटर वाली वीडियो, एनिमेटर जो भी एनिमेशन से रिलेटेड वीडियो है, जो करेक्टर एनिमेटर वाली वीडियो वो पहले कंप्लीट होगी। तो ये जो करेक्टर है, तो इस करेक्टर को यहाँ पे बिठाया है किसी ग्राफिक डिज़ाइनर ने, जो भी जिसने भी बनाया है, तो ये इस तरह बिठाया है। तो इसमें नॉर्मली उसने इसको वहीं पर ही ड्राइंग बनाया है जहाँ पर उसने इसको डिज़ाइन किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने इसे पूछा है कि करेक्टर को कैसे बिठाते हैं, तो नॉर्मली अगर ये लड़की, ये औरत है, यहाँ पे देखो आप जो भी है, आपको ये पता होना चाहिए कि बैठे हुआ कैसा लगता है। कोई भी रेफरेंस ले लो आप, इसको मैं सेट करता हूँ, कोई भी रेफरेंस ले लो कैसे बैठते हैं। इसमें तो इसके और वो पैर आया नहीं है, तो पूरा प्रॉपर पैर का भी यहाँ से आपको ड्राइंग आना चाहिए। अगर आप एक पूरा करेक्टर को बिठा रहे हैं, कैसे बिठाते हैं, कैसे वो करते हैं, तो आपको एक प्रॉपर ड्राइंग आना चाहिए। तो इसका देखो, यहाँ पे मैं एक ड्राइंग बना रहा हूँ, तो यहाँ से इसका ऐसा इस तरह आना था, ये इस तरह,
यहाँ पे रख लो इस तरह, यहाँ पे इस तरह ही साड़ी का है। तो ये ये वाला इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, डिलीट कर दिया। तो अगर आपको एनिमेशन, मतलब ये एनिमेशन में अच्छा एनिमेशन करना है तो आपको ड्राइंग तो आना ही चाहिए, लेकिन जिस टाइप का हम एनिमेशन करते हैं नॉर्मल, ये जो ये सिंबल बना के काम करते हैं, ग्राफिक में काम करते हैं, इसमें काम करते हैं, ट्विन लगा के काम करते हैं, तो इसमें ज़्यादा ड्राइंग आने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। आपको बस थोड़ा सा टेक्निक पता होना चाहिए और एक आप अच्छा एनिमेशन बना सकते हो। तो क्या है कि अभी जो आप पूछ रहे हो कि करेक्टर को कैसे बिठाते हैं, वो एक ड्राइंग का पार्ट है। आपको ड्राइंग अच्छी तरह आना चाहिए तो आपको पता लग जाएगा कि करेक्टर को कैसे बिठाते हैं। तो अभी जैसे मैंने ये ड्राइंग बनाया तो आपको भी ऐसा ड्राइंग आना चाहिए। तो ऐसा रेफरेंस आप कुछ भी ले सकते हो, आप जाके गूगल में सर्च कर सकते हो, तो आप उस टाइप का रेफरेंस ले सकते हो और उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग ड्राइंग बनाओ और उसको ट्रेस कर लो। तो जैसे मैंने ये भी ड्राइंग बनाया तो इस तरह, तो इसका पैर आएगा इस तरह यहाँ पे, तो इस तरह ये बैठेगा जैसे ये करेक्टर यहाँ पे खड़ी है, तो इस तरह बिठाया है। तो मुझे उम्मीद है जो भी सब्सक्राइबर ये पूछ रहे थे कि करेक्टर को कैसे बिठाते, क्योंकि देखो करेक्टर को, एक करेक्टर को अगर मैं बिठा के इसको मैं बिठा भी दूँ तो ये एक करेक्टर एक रंग का, क्योंकि इसने साड़ी पहनी है, तो इस तरह अगर मुझे ये करेक्टर बिठाना होगा तो अलग अलग तरह बैठेगा। तो क्या है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बिठाते, तो आप सीधा जाके गूगल पे उसको कोई भी इमेज देखो जो जहाँ पे बैठा है उस तरह बिठा दो और उस पर ट्रेस कर लो उसको, ट्रेस करने के बाद उस पर लगा दो, तो बिल्कुल ही वो रहेगा। तो ये ग्राफिक डिज़ाइनर का पार्ट है। तो अगर आपका ड्राइंग अच्छा है तो आप बना सकते हो ये सब। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बटरफ्लाई वाला एनिमेशन अच्छी तरह समझ आ चुका होगा कि कैसे करते हैं ये।